तुलनात्मक अध्ययन, त्रिसूत्र में हेतु लिंग औषध ये टर्म आते हैं। त्रिसूत्र और त्रिस्कंध जो है ये सेम है, मतलब त्रिसूत्र का ही पर्याय त्रिस्कंध है। त्रिस्कंध में ध आता है तो हम याद रख सकते हैं औषध, तो हेतु लिंग औषध त्रिस्कंध और त्रिसूत्र हेतु लिंग औषध, ये दोनों एक दूसरे का पर्याय है। त्रिदंड में सत्वात्मा शरीर ये, और त्रिस्तूण जिसे त्रिदोष भी कहते हैं और त्रिस्तंभ भी कहते हैं, तो वात पित्त कफ ये जो है यहाँ पे ये क्या है, त्रिस्तंभ है। त्रयोपस्तंभ, त्रयोपस्तंभ में आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये जो है चरक के अनुसार है, और वाग्भट जी ने ब्रह्मचर्य की जगह अब्रह्मचर्य बताया है। त्रिस्कंध, त्रिस्कंध में हेतु लिंग औषध आता है और त्रिस्कंध जो है वो त्रिसूत्र का ही पर्याय है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे स्कंधत्रय। स्कंधत्रय में क्या आता है, हेतु दोष द्रव्य। त्रिस्कंध और स्कंधत्रय ये अलग है दोनों टर्म। यहाँ पे य आता है तो हम याद रख सकते हैं कि द्रव्य य है इसके लास्ट में, तो हम याद रख सकते हैं कि स्कंधत्रय, और यहाँ पे द्रव्य आता है। त्रिस्कंध में क्या आता है, हेतु दोष नहीं, तो यहाँ पे क्या आता है, हेतु लिंग औषध। लिंग और औषध यहाँ पे चेंज हुए हैं त्रिस्कंध में, और स्कंधत्रय में हेतु दोष द्रव्य इस तरीके से। ठीक है, अब धूमपान भेद देखते हैं हम। चरक जी ने धूमपान के भेद तीन बताए हैं यहाँ पे, तो कैसे याद रखें हम उसको, प्रसव इस टर्म से, इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। मतलब प्र से प्रायोगिक, स से स्नेहिक, और व से वैरचनिक, इस तरीके से। चरक जी और अष्टांग रुद्र जी ने सेम ही बताए हैं धूमपान के भेद। ठीक है, सुश्रु जी ने धूमपान के भेद जो है वो पांच बताए हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरचनिक, कासगण और वामक। ये जो प्रमाण दिया है उन्होंने, ये अंगुल प्रमाण में दिया है। शारंगधर जी ने धूमपान भेद जो है वो छः बताए हैं, शमन, मृदु और तीक्ष्ण। ये जो है ये प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरचनिक का ही पर्याय है। कासगण और वामक और व्रण धूमपान ये जो है ये शारंगधर जी ने चरक के अतिरिक्त बताए हैं। ये जो यहाँ पे प्रमाण दिया है ये अंगुल प्रमाण में है। शारंगधर जी ने कासगण 16 अंगुल बताया हुआ है, वामक और व्रण धूमपान जो है यहाँ पे 10-10 अंगुल बताया है उन्होंने। तो अब देखते हैं यहाँ पे व्रण धूपण नेत्र लंबाई। यहाँ पे जो है व्रण धूपण नेत्र लंबाई सुश्रुति के अनुसार 8 अंगुल है। वाग्भट जी ने भी 8 अंगुल ही व्रण धूपण नेत्र की लंबाई यहाँ पे बताई है, पर वाग्भट जी ने कासगण ये जो व्रण धूपण नेत्र है उसकी लंबाई 8 या फिर 10 अंगुल होती है ऐसा उन्होंने बताया है। प्रायोगिक धूमपान काल, अब हम धूमपान के काल देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चरक जी, उनके अनुसार प्रायोगिक जो धूमपान है उसके काल 8 है। मतलब यहाँ पे स्नान, भोजन, वमन, छींक, दंत धावन, नस्य, अंजन, निद्रा, इस तरीके से। तो हम इसको कैसे याद रखें, हम क्या करते हैं, रात्रि में निद्रा, निद्रा फिर सुबह होने के बाद उठकर क्या करते हैं हम, दंत धावन, फिर उसके बाद स्नान, भोजन। अगर भोजन करते समय हमको छींक आ गई मतलब, तो वमन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सपोज़ किसी व्यक्ति ने नस्य और अंजन कर लिया इन सब के बाद, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, पहले निद्रा फिर स्नान फिर दंत धावन। नहीं, पहले निद्रा, दंत धावन, स्नान, भोजन, छींक, वमन, नस्य और अंजन, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाग्भट जी के अनुसार प्रायोगिक जो धूमपान के काल है उन्होंने क्या बताया है, 8, मृदु 11, तीक्ष्ण 5, अष्टांग हृदय में 24 है और अष्टांग संग्रह में 23 बताए हैं। अब यहाँ पे देखिए सुश्रुत जी ने 12 धूमपान के काल बताए हैं। प्रायोगिक में क्या आता है, दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन व शस्त्रोपकर्मोपरांत, मतलब ये यहाँ पे 4 है। सबसे पहले हम दंत प्रक्षालन करते हैं, मतलब दंत धावन ही हो गया वो, फिर स्नान,
फिर भोजन शस्त्रोपचार उपरांत मतलब सर्जरी ऐसी क्रिया करने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो ये क्रम हम याद रख सकते हैं। मतलब सबसे पहले प्रायोगिक में क्या आएगा, दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्रोपचारोपरांत। फिर स्नेहिक पांच हैं, तो ये कैसे याद रखें, मूत्र त्याग, मैथुन, शवथू, हंसने के बाद, यहाँ पर मैंने मराठी में लिखा है, और क्रोध। इस स्नेहिक में हम पांच याद रख सकते हैं, ठीक है। वैरेजनिक में तीन, स्नान, दिवास्वाप और यहाँ पे है छर्दी, इस तरीके से हम ये याद रख सकते हैं, ठीक है। निद्रा के भेद यहाँ पे बताए हैं उन्होंने चरक जी ने, छह बताए हैं, सुश्रुत जी के अनुसार तीन है और वाग्भट जी के अनुसार सात है। तो यहाँ पे देखते हैं हम चरक के अनुसार श्लोक था एक, तमोभवा श्लेष्म समुद्भवा मन शरीर शम संभवा आगंतुकी व धनुवर्तिनी च रात्रि स्वभाव प्रभाव च निद्रा। ये पूरा नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए तमोभवा, तमोभवा का मतलब पापों का मूल, इस तरीके से। और यहाँ पे जो रात्रि स्वभाव है, मतलब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसका पर्याय जो है रात्रि स्वभाव का भूत धात्री, रात्रि में कौन आते हैं तो भूत, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। और सुश्रुत जी के अनुसार तीन है इसके प्रकार निद्रा के भेद, तो कौन से है, वो वैकारिकी, तामसिक और स्वाभाविक। स्वाभाविक को ही यहाँ पे क्या बोला है, वैष्णवी और पापमा, ये दो पर्याय स्वाभाविक के लिए आए हैं। वाग्भट जी के अनुसार सात है, जो चरक जी ने बताए हैं छह वही वाग्भट जी के हैं, सेम टू सेम। पर यहाँ पे जो मन शरीर श्रम संभवा है, इन ये शब्द का उन्होंने भेद किया है, और मन अलग से लिया है और शरीर श्रम शरीर संभवा ये अलग लिया है, इसीलिए यहाँ पे ये जो है छह है और इन दोनों इस शब्द में जो है भेद किया हुआ है, इसीलिए मन और शरीर संभवा ये जो है ये दो बताए हैं यहाँ पे। तो वाग्भट के अनुसार सात निद्रा के भेद है। दधि भेद जो है यहाँ पे सात होते हैं सुश्रुत जी के अनुसार और भाव प्रकाश जी के अनुसार पाँच होते हैं, ठीक है। और आधारणीय वेग देखते हैं हम यहाँ पे, हमें पता है कि चरक जी के अनुसार जो है आधारणीय वेग तीन तेरह होते हैं, काश, श्वास, जुम्भा, ये सब छर्दी, वो सब कुछ, ठीक है, आपको याद है वो। तो वाग्भट जी ने भी तेरह बताए हैं, पर यहाँ पे चरक जी ने कौन सा बताया था वहाँ पे, उद्गार। तो यहाँ पे क्या उद्गार है वे जी, यहाँ पे क्या है, कासवेग वाग्भट जी ने यहाँ पे बताया है, ठीक है। पॉइंट्स जो है वो ऐड कर रहे हैं हमें, तो धूमपान भेद जो शारंग जी के अनुसार थे, तो कौन से थे वो, शमन, ब्रूहन, रेचन, कासवन और वामकीय जो थे, ये छह प्रकार हमने देखे हैं उनके। तो शमन जो है वो मध्यम और प्रायोगिक से होता है, ब्रूहन स्नेहिक और मृदु से ब्रूहन, रेचन शोधन और तीक्ष्ण रेचन में आता है, कासवनो वामक और प्रण धूमपान, ये जो यहाँ पे दी है ये धूमपान नेत्र लंबाई है, ठीक है। मुख, नासा और उभय, ये जो है ये धूमपान करने के मार्ग बताए हैं यहाँ पे। तो वह कासवण और वामक जो धूमपान है वो हम मुख मार्ग से कर सकते हैं, और प्रायोगिक वैरेजनिक नासा मार्ग से करते हैं। स्नेहिक जो है ये धूमपान उभय मतलब दोनों मार्ग से करते हैं। वाग्भट जी के अनुसार मध्य, स्निग्ध और तीक्ष्ण बताए हैं, तो मध्य जो है उसकी उसका प्रमाण जो है मतलब 40 अंगुल बताया है, स्निग्ध का 32 अंगुल है और तीक्ष्ण का 24 अंगुल है। व्रण बस्ती नेत्र लंबाई यहाँ पे 8 अंगुल बताई है, वहाँ पे हमने क्या देखा था, व्रण धूपण नेत्र लंबाई बताई थी मैंने वहाँ पे आपको, तो यहाँ पे व्रण बस्ती नेत्र की लंबाई है, तो 8 अंगुल यहाँ पे है, ठीक है। त्रिस्कंध, त्रिसूत्र ऐसे टर्म हमने देखे थे, तो त्रिसूत ये भी एक टर्म है, तो सूत पारद और मिश्रक त्रिसूत में आता है, ओके। प्रायोगिक धूमपान के दैनिक काल, प्रायोगिक के दो होते हैं, स्नेहिक के एक, वैरेचनिक के तीन से चार, मतलब तीन या चार होते हैं, ओके। तक्र भेद, चरक जी के अनुसार तक्र के भेद जो है यहाँ पे तीन है, रुक्ष, अर्धस्नेह, पूर्ण स्नेह। सुश्रुत के अनुसार दो है, तक्र और घोल,
वह प्रकाश जी के अनुसार घोल मथित उद्वशित छच्छिका और तक रहे। ठीक है, सो गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब लाइक शेयर ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइज़।